जी, तो उपचुनाव की जो मतगणना है वो मतगणना शुरू हो चुकी है और ये दोनों जो सीटें हैं ये सीटें बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक मुख्यमंत्री के द्वारा खाली की गई है, दूसरी उप मुख्यमंत्री के द्वारा खाली की गई सीट है और जो कम वोटिंग फीसद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस तो नहीं बन जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि अगर दोनों सीटों में से एक सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसली तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे देश भर में संपूर्ण विपक्ष एक साथ एक व्यक्ति या एक बैनर या एक गठबंधन के तले आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा जो ताकत है उसका निर्माण करेगा और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हेमंत तिवारी जी, सीधे मैं आपके पास आऊंगा, ये कम वोटिंग फीसद क्या कुछ कहता है? हेमंत तिवारी, आवाज नहीं आ रही है जी, आवाज नहीं आ पा रही है। अखिलेश जी, मैं आपसे बात करूंगा, ये कम वोटिंग फीसद का मतलब क्या? अतुल जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और कल परसों भी आप ही के चैनल पे मैंने बताया था कि बाई इलेक्शंस और इलेक्शंस जो मेन होते हैं दोनों के डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। देखिए, बाई इलेक्शन में अगर ये देखा जाए तो ये बीजेपी सेंट्रल कमान के लिए कोई बहुत उतनी इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, सेंट्रल कमान कभी भी बहुत सीरियसली नहीं लेती है, ये इंडिविजुअल लेती है कि जैसे योगी जी हो गए, ये उनके साख की बात है, उनकी प्रतिष्ठा की बात है और डिप्टी सीएम मौर्या के अपने निजी प्रतिष्ठा की ये बात है। तो ये दोनों कैंडिडेट अपनी अपनी सीट को जीतने के लिए बहुत एक्टिव रहेंगे। और दूसरी बात, कम वोटिंग इसलिए भी होती है क्योंकि वोटर्स जो है वो खुद जानते हैं एक साल बाद इलेक्शन होने वाला है, इससे कोई सरकार नहीं चेंज होने वाली है। तो जो हार्डकोर वोटर होते हैं, जैसे मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्या जी के या बीजेपी के जो टायर वन में जो वोटर होते हैं वही एक्टिव होते हैं और वो निकल करके बाहर वोट देते हैं। टायर टू टायर थ्री के जो वोटर होते हैं वो नहीं निकलते हैं बाहर। जो वोटर बाहर रहते हैं दूसरे शहरों में वो अपना पोस्टल वोटिंग भी नहीं करते हैं या आते भी नहीं है। यही अगर मेन इलेक्शन होता तो आप देखिए एक वेव क्रिएशन होता है किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में। हेमंत तिवारी जी, ये कम वोटिंग फीसद क्या कहलाता है? जी अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं तो आपका मतलब क्या है कि मिश्रा साहब, ये माना जाए कि अब केशव प्रसाद मौर्या और योगी आदित्यनाथ जी दोनों में से एक या दोनों अगर अपनी सीटें हार जाते हैं तो बीजेपी वाला कमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए अगर आप पास्ट का भी अभी देखिए हालिया, तो जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं अभी रिजल्ट आया था राजस्थान वगैरह में, वहां पे बीजेपी हारी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, फर्क क्यों नहीं पड़ता है, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में बीजेपी पे, गवर्नमेंट सेंटर में भी उनकी रहेगी, यहां पर भी रहेगी। सर, सवाल सरकारों का नहीं है, सवाल साख का है। पूरा विपक्ष उसको ये मंत्र मिल जाएगा कि एकजुट होकर बीजेपी को पटका जा सकता है। देखिए अमित शाह नरेंद्र मोदी के अश्व में घोड़े को पकड़ा जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है, मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, एक बड़ी छलांग लगाने के लिए दो चार कदम पीछे चलना पड़ता है और बीजेपी जानती है, बीजेपी का फोकस अब 2019 पे है, एक सीट दो सीट ये चीज मतलब तीन चार सीटें बाई इलेक्शन जो है, विपक्ष इसको डेफिनेटली इस तरीके से परसेप्ट करेगा, देखेगा और इस मुद्दे को ऐसे उछालेगा कि देखो जी ये 2019 का जो मादा है हमारा वो ये दिख रहा है और 2019 में भी यही रिजल्ट रिपीट होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। मेन इलेक्शन वाला ईवीएम वाला राग भी खत्म हो जाएगा कि अगर तुम जीत रहे हो तो ईवीएम सही, अगर हम यस देखिए आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। बीजेपी अगर बीजेपी के ऊपर हमेशा आरोप लगे हैं कि भाई ईवीएम जो है ईवीएम से ये जीतते हैं, अगर ये सीटें बीजेपी हार जाती है ना तो यहाँ पे ये एक तरीके से बीजेपी विपक्ष का मुंह बंद कर देगी। हेमंत तिवारी जी, कम वोटिंग फीसद क्या कहलाता है? देखिए, जब मत प्रतिशत कम पड़ता है तो आप जान लीजिए, आम तौर पर सामान्य चुनाव में माना जाता है कि लोगों में उदासीनता है और बदलाव की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन बाय इलेक्शंस में ऐसा आम तौर पर नहीं होता है। लेकिन इतना जान लीजिए, कम वोटिंग का एक बहुत सीधा संदेश है कि जो जीत हार का फर्क है वो कम होगा। और जैसा अभी कह रहे थे मित्रवर कि भाजपा संदेश देगी, अगर भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन जीती है तो क्या संदेश देगी? फिर संदेश देने की स्थिति में नहीं रहेगी 2019 में परिणाम देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी परिणामों का निकट अतीत देखें तो भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से हर जगह आई है। उत्तर प्रदेश का रिसेंट पास 2017 का असेंबली इलेक्शन बहुत मजबूत, बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहा है। तो इतना तो जानिए, सबसे ज्यादा साख जो रूलिंग पार्टी है उसकी दांव पर है,
योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य की निजी साख दांव पर है और भारतीय जनता पार्टी के सामने हाँ लाभ की दो स्थितियां हो सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीती तो भारतीय जनता पार्टी जरूर कहेगी कि पिछले ढाई दशकों में एक बड़ा प्रयोग जो अपोजिशन का हुआ है वो फेल हो गया कि सपा को बसपा का सहारा बसपा का समर्थन वो हमने फेल कर दिया और हम 2019 में और बेहतर करेंगे जी। लेकिन अगर फर्ज करिए हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि अब हम बोल सकते हैं मत और अब गिनती शुरू होने जा रही है कि संभावना यह है कि जो फीडबैक मिला है वो अपर हैंड भाजपा का दोनों स्थानों पर है जी। तमाम और इसी बीच एक खबर आ रही है कि पोस्टल वोटों की गणना है, पोस्टल वोटों की गणना में बीजेपी दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है, गोरखपुर और फूलपुर दोनों ही जगह पर बीजेपी आगे चल रही है। हिंदी खबर पर सबसे पहला रुझान वो हम आपको दिखा रहे हैं, किसी भी चैनल से पहले ये रुझान हम अपने दर्शकों को 19 करोड़ दर्शकों को दिखा रहे हैं। और पोस्टल जो मतगणना हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर और फूलपुर दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है। ये संदेश जो है ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। संदीप शुक्ला जी, शुरुआती दौर में तो आप पिछड़ रहे हैं। देखिए पोस्टल वोटों की गिनती, अभी पोस्टल वोट जो है उसमें कर्मचारियों का वोट होता है और बहुत लिमिटेड है, आम जनता का रुझान अभी नहीं आया है और हमारी अभी रुझान आगे बढ़ने दीजिए। पोस्टल वोटों में तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रही, कोई नई बात नहीं है, चाहे जो भी इलेक्शन हुए हैं अभी निकट भूत में, तो अभी शुरुआत है, अभी मतगणना आगे बढ़ने दीजिए, हम बहुत अच्छी स्थिति में है जी। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देगी आपको। डॉक्टर शशिकांत, अभी तक जहां तक हमने राजनीति को समझा है, जहां तक लोगों के द्वारा हमने मुखरित होते सुना है कि जब ज्यादा वोटिंग फीसद होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुहर उतनी ही गाढ़ी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो मध्यम अपर मिडिल कास्ट और उच्च वर्ग है, वो जनरली वोट देने निकलता नहीं है। वोटिंग के दिन वो पिकनिक मनाने या यहां वहां ज्यादा जाना पसंद करता है या घर में बैठकर टेलीविजन पे बैठकर चीजें देखना ज्यादा पसंद करता है। अगर ज्यादा वोटिंग फीसद होता है तो बीजेपी की जीत पक्की मानी जाती है, लेकिन कम वोटिंग फीसद अगर होता है तो ये माना जाता है कि जो सपा बसपा या जो दूसरे दलों के जो वोटर हैं वो घरों से बाहर निकले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राह तो मुश्किल है अगर इस थ्योरी पे बात की जाए तो। ने आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा ही माना जाता रहा है कि जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत काफी बढ़ जाता है, लेकिन आज देखिए आप शुरुआती मतगणना जो ही शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले लिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने लगे, तो देखिए कितना सुखद अनुभव है कि कम प्रतिशत में वोटिंग हुआ है फूलपुर और गोरखपुर में, तब भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, यानी यह सीधा संदेश स्पष्ट संदेश है कि जो अभी आप विश्लेषण कर रहे हैं कि इनके वोटर निकलते थे वोट देते थे, अब इनका कोई वोटर रह नहीं गया, ये अच्छा। सपा बसपा आप सब साफ साफ हो गए हैं, इनके सारे नेता आपकी पार्टी में आ गए हैं, के पक्ष में चाहे कम मत वोटर भी इधर आ गए हैं क्या? नहीं नहीं हाँ बिल्कुल वोटर आ गए हैं, आज हिंदुस्तान में आज पूरे भारत में सारे वोटर ज्यादा से ज्यादा वोटर हमारे पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, हमारा मत 50% तक 55% तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है, तो इतना जो मत प्रतिशत बढ़ा है तो वोटर किसी का बंधक थोड़ी है कि ये समाजवादी पार्टी का बंधक है और ये बता देंगी मायावती कल तक बताती रही है कि ये वोटर हमारे ही जेब में रहते हैं, आज वोटरों ने नकार दिया कि आप चलिए अपना रास्ता ना पिए, मायावती का तो अब कोई अपील का कोई असर ही नहीं रहा, मायावती को कोई पूछने वाला नहीं है, मायावती की दुकान शटर गिर गया है, तो आज जो हमारे मतदाता है सम्मानित मतदाता देश के नागरिक है उन्होंने बता दिया कि हम किसी के जेब में रहने वाले नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में सबसे कम अंतर है और करने की जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं और ये जो दूसरी पार्टियां हैं इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है, ये लोगों ने केवल देश को झांसे में लिया और झूठी बातें कही और विकास को, जब नरेश अग्रवाल स्वामी प्रसाद मौर्य देख रहे हैं, जब नरेश अग्रवाल स्वामी प्रसाद मौर्य और भुक्कल नवाब जैसे विद्वान महाविद्वत जन गंगा से नहाए हुए एकदम उजले निखरे राजनीतिक छवि के लोगों को आप लेते हैं पार्टी में, तो यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में तनिक अंतर नहीं है, आपके दिल में जो है अब वो एक्शंस में दिख रहा है।
नहीं अतुल जी देखिए, एक तो आप व्यक्तिगत नाम ले रहे हैं ना, तो एक दो व्यक्तिगत नाम लेने से तो अरे व्यक्तिगत नाम ले लूं तो क्या करूं डॉक्टर शशिकांत, व्यक्तियों से तो पार्टी बनती है ना, व्यक्तियों से तो विचारधारा बनती है ना, नाम क्यों ना लूं। हाँ नहीं नहीं अतुल जी नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आप नाम ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, लेकिन उससे लेने से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है और काम करने का तरीका है, जो विकास को लेकर के प्रतिबद्धता है, वो तो नहीं बदल जाता। नहीं नहीं आप, दो आप, आप, आप ये भी कह सकते हैं, आप सत्ता सत्ता के मद में चूर, आप ये भी कह सकते हैं कि आप नाम लीजिए ना लीजिए बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं कतई नहीं बोल सकते, कतई नहीं कहते नहीं अतुल जी कतई नहीं, ये पूरे देश के किसी भी राज्य में इस तरह का कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। कि जिसमें सत्ता के मद में चूर भारतीय जनता पार्टी के हेमंत तिवारी जी लोग नजर आ रहे हो या नेता नजर आ रहे हो, ऐसा क्या कतई नहीं। हेमंत तिवारी जी क्या कमल खिलाने के लिए कीचड़ होना जरूरी है और विद इन द पार्टी? बिल्कुल सही आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी से जिस साफ सुथरी राजनीति की अपेक्षा लोगों ने की थी, जिस शुचिता के उनके विषय को लेकर के जनता ने उनका इतना बड़ा साथ दिया था, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ पाने की लालच में मुझे लगता है कुछ सारे जो बुनियादी उसूल है उनको भूल चुकी है। और ये खाली एक उदाहरण नरेश अग्रवाल या बाबू सिंह कुशवाहा का नहीं होता, आपको ध्यान होगा 2012 की शुरुआत में बाबू सिंह कुशवाहा को इन्होंने लिया था। हाँ। लेकिन उनको तुरंत आभास हो गया, हालांकि उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक सामान्य अवधारणाएं बनती जा रही है कि चाहते हैं कि सब कुछ खा लें। अरे ठीक है, आपको बहुत दिया है जनता ने, जनता ही भगवान है, तो भगवान को तो झांसे में मत रखिए। जिस व्यक्ति ने महीने भर पहले आपके भगवान को, आपके देवताओं को क्या क्या शब्द कहे हों, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से उसको स्वीकार करेगी? चाहिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सामने आकर के सफाई देनी चाहिए। ये जनता है, जनता देखती है। आज आपको सिर पर बैठाया है, कल आपको जमीन पर गिरा सकती है। मुझे लगता है कि इस बात को भूल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के का शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग। और ध्यान रखिए अतुल जी, गर्भोक्ति का भविष्य बहुत लंबा नहीं होता है, ये सबको स्वीकार करना चाहिए। संदीप शुक्ला जी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 30 साल पुराने दोस्त हैं, सिद्धस्थ राजनेता हैं, लेकिन आप खुद देखिए जन भावनाएं कैसे आ रही हैं उनको लेकर के, वो आप सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया कहीं भी दे सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से भरी नहीं हो सकते। और उन्होंने तो लक्षण आता ही दिखा दिया, कल उनको माफी मांगनी पड़ी। एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, एक इंडिविजुअल अगर आपकी विचारधारा को डेंट लगाता हो तो श्रीमान जी आपकी पूरी विचारधारा पर प्रश्न उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक इंडिविजुअल केस बता किसे भरी नहीं हो सकती है। संदीप शुक्ला जी, नरेश अग्रवाल नितिन अग्रवाल को लेने का पूरा उद्देश्य यह है क्या कि जो राज्यसभा का गणित है उसे बिगाड़ा जा सके, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मायावती के बहुजन समाज पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप लोग समर्थन कर रहे हैं, अब उनके वोटों पे डेंट मार के उन्हें राज्यसभा पहुंचने से रोका जाए? निश्चित तौर पर यही उद्देश्य उनका होगा, इस समय उनको लेने का, नरेश अग्रवाल जी को लेने का यही उद्देश्य होगा कि एक वोट बढ़ गया उनका, उन्होंने साफ कह भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे नितिन अग्रवाल, तो तुरंत ये कहना कि भाजपा को वोट देंगे। सपा के तीन विधायक और कांग्रेस के दो विधायक और हैं जो बीजेपी के पाले में हैं, ये मेरे पास पक्की जानकारी है, जब क्रॉस वोटिंग होगी तब आपको नाम बताऊंगा। नहीं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी घिनौना कार्य करेगी, उसने अन्य राज्यों में ऐसे कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में भी उसी का नमूना पेश करेगी और किसी तरह से जीतने की कोशिश करेगी। सत्ता में है और जिस तरह से ये राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से फूलपुर और गोरखपुर में अभी जो चुनाव हुआ है उसमें अपने मंत्रियों को इन्होंने और सांसदों को और विधायकों को सेक्टर बांट के और धन बल का प्रयोग किया था, वो सब इस निश्चित तौर पर अभी तक जो कहा करते थे, आलोचना किया करते थे ये अन्य दलों की, आज उनसे भी आगे निकल चुके हैं, कई गुना आगे निकल चुके हैं, इनकी कथनी और करनी स्पष्ट हो चुकी है, आज जनता इस चीज को देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। ठीक है मिश्रा जी, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सब अच्छा है, दाग अच्छे हैं। संदीप शुक्ला जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, जो आपने बोला, देखिए राजनीति में संवैधानिक दायरे में रह के हर तरीके के चाल चलना, रणनीति बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना सारी पार्टियां करती हैं। गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो वो क्या आप बोलेंगे अगर आप भाजपा को बोल रहे हैं? ऐसे हजारों उदाहरण है जहां पे धर्म और इन सब चीजों का यूज सारी पार्टियों ने किया गया है। सवाल इस चीज का है कि बीजेपी ने इनको क्यों लिया अपनी पार्टी में,
ठीक है, अभी क्रिटिसिज्म हो रहा होगा, कुछ लोग अच्छे बोल रहे होंगे, लेकिन बीजेपी, देखिए एक चीज बीजेपी को आप मानिए, इनकी बड़ी दूरदृष्टि है, इन्होंने लिया है तो इनको पता है 2019 के लिए क्या है। बड़ी खबर और आ रही है, फूलपुर और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों में फूलपुर और गोरखपुर दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी और पीस पार्टी और निषाद पार्टी का समर्थन मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी और जो उसके सहयोगी जो दल है, जो समाजवादी पार्टी प्लस अग्रेस को नाम दें, तो समाजवादी पार्टी प्लस बीजेपी से पीछे है। फूलपुर और गोरखपुर दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर धकेल दिए गए हैं, और नंबर एक पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा खाली की गई है, जबकि फूलपुर सीट वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा खाली की गई है, और ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं, और शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी प्लस के उम्मीदवार से काफी आगे खड़ी है। डॉक्टर शशिकांत, ये आपके लिए एक अच्छी खबर शुरुआती रुझान में? जी बिल्कुल, और इसके लिए फूलपुर और गोरखपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना रुझान दिखाया है। और ये आज का जो ये जो मतगणना का रुझान है, ये अंतिम परिणाम में निश्चित रूप से बदलेंगे, ये हमको पूरी पूरी उम्मीद है। अभी जो रिजल्ट आएगा मतगणना के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दोनों सीट आएगी जी। अब मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत हो अतुल जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने नरेश अग्रवाल जी की बात, आपने सवाल पूछा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, तो देखिए निश्चित रूप से मैं एके मिश्रा जी के बात से सहमत हूं कि किसी भी पार्टी में आने लेने के लिए किसी भी व्यक्ति का, देखिए यह सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति अपना वो आ सकता है कि भाई पला पार्टी में मैं आना चाहता हूं, मुझे ले लिया जाए, तो उसको लिया जाता है। लोग इधर से उधर अपने वो बदलते हैं और आते हैं, दूसरी पार्टियों में आते हैं, कोई नई बात थोड़ी है, हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, कोई भी कर सकता है ऐसा। लेकिन जिस तरीके से कानून को ताक पे रख करके सत्ता के लिए समाजवादी पार्टी के लोग मायावती जी का कपड़ा फाड़ दिए, ब्लाउज फाड़ दिए, तो ये लोग क्या बताएंगे कि कौन पार्टी में और किसमें जा रहे हैं और क्या? ब्लाउज वाली नई बात आपने कह दी। नहीं नहीं, जो कपड़ा फाड़ दिया, मार पिटाई की, हाथ चलाए, नहीं क्षमा चाहते हैं, आप शब्दों पे ना जाइए। कपड़ा फाड़ना, एक महिला का कपड़ा जो होता है वो ब्लाउज जैसा ही होता है, तो आ, 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 आप जो है ये लोग क्या बताएंगे कि कौन किस पार्टी में है? क्या लॉजिक है? हाँ, समाजवादी पार्टी तो किसी को ज्ञान नहीं दे सकती है, ये लोग तो सत्ता के लिए किसी को मार पीट सकते हैं, किसी को भी कपड़ा फाड़ सकते हैं। हाँ, गया सवाल की क्या किया था गेस्ट हाउस कांड, वो जनता पार्टी थी जिसने उसको समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी उसमें, और कहीं ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सारा खेल किया था, बहुजन समाज पार्टी को अपने पाले बुलाने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कुकृत किया था, और उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी में न जाए, इनकी मनसा खराब है, इनकी मनसा अच्छी नहीं है, वर्षा के इन लोगों को और सफल भी रही 25 साल। एक बार तिवारी जी को बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया जी, शशिकांत जी एक मिनट रुक जाइए, तिवारी जी बात कही अपनी। जी जी अतुल बताएं प्रश्न क्या है। ये जिस तरीके से इन्होंने अभी तर्जुमा दिया डॉक्टर शशिकांत ने महिला के कपड़ों के ऊपर, मायावती जी के ऊपर, इस पे आपके मैं रिएक्शन चाहूंगा, और बड़ी तल्ख टिप्पणी होनी चाहिए। तल्ख टिप्पणी तो मैं क्या बताऊं, वही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं भी तमाम कारणों से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता था, लेकिन मैंने देखा कि जब से ये शाह युग की एकदम सुपर एग्रेशन वाली इनकी पॉलिटिक्स हो रही है, ये बड़ा विचित्र चीजें इसमें आ रही हैं। मैंने एक सामान्य सा प्रश्न किया था, हालांकि इनकी बात बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, शशिकांत जी की। शशिकांत जी वहां नहीं थे, मैं मौके पे था। अतुल, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ जी, मैं मौके पे था, मैं दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ था, मेरे ऑफिस के ठीक पीछे स्टेट गेस्ट हाउस था, पूरे घटनाक्रम को मैंने देखा, मेरे बयान भी हुए। लेकिन कपड़े फाड़ने वाली स्थिति तुमने नहीं देखी, कम से कम इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एक महिला के कपड़े अगर नहीं फाड़े गए, वहां तक स्थिति नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी कहे कि मायावती कपड़े फाड़े गए, तो मुझे लगता है शशिकांत जी आप तो बहुत सरल हृदय व्यक्ति हैं, आप शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नवागत नेता नरेश अग्रवाल हो, इन सबको
थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हेमंत तिवारी जी मुझे इतना बताइए, हेमंत तिवारी जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि डॉक्टर शशिकांत की जो टिप्पणी है क्या ये महिला आयोग के द्वारा संज्ञान में ली जा सकती है? जिस तरह से इन्होंने ब्लाउज शब्द का इस्तेमाल किया, मायावती जी के लिए कपड़े फाड़ने का इस्तेमाल किया, और जिस अंदाज में उन्होंने उन्होंने बात की, क्या महिला आयोग के द्वारा स्वतः संज्ञान लेने योग्य है? बिल्कुल योग्य है, लेकिन मुझे लगता है शशिकांत जी ने बहुत सरलता के साथ ये बात कह दी, इसकी गंभीरता समझ नहीं पाए। हालांकि आप देखिए अतुल, एक शब्द का मंतव्य क्या होता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा था स्वाति सिंह प्रकरण पर, जहां से स्वाति सिंह इतनी बड़ी राजनेता बन गई, विधायक, महिला मोर्चा का अध्यक्ष और मंत्री बन गई। स्वतः संज्ञान तो महिला आयोग ने उस विषय का भी लिया था। लेना था जब उन्होंने उनकी कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, जबकि वो सामूहिक रूप से टिप्पणी की गई थी, इंडिविजुअल किसी टिप्पणी नहीं थी। सर एक शब्द से गुजरात में बीजेपी हारी हुई पारी को जीत गई। सर एक शब्द से मणिशंकर अय्यर ने जो यूज किया था, गुजरात में हारी हुई पारी बीजेपी जीत गई, एकदम सही जी। लेकिन आप ध्यान रखिए, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, अतुल जी ने बहुत बढ़िया इसे शुरू किया है, मैं फिर कह रहा हूं अतुल जी, नरेश अग्रवाल जी से मेरी 3 दशक पुरानी दोस्ती है, घनिष्ठ वाली दोस्ती है, शाम सुबह उठने बैठने वाली दोस्ती, उसके बावजूद उनके शब्दों को हमने हमेशा उनका विरोध किया है। और यही शब्द जो होते हैं मिश्रा जी, बहुत सही आपने कहा, कांग्रेस को इस बात का जरूर मलाल होगा कि राहुल गांधी के एक्शन लेने के बावजूद एक शब्द का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की साख बच गई, नरेंद्र मोदी की साख बच गई, अमित शाह की अपने गृहराज में नाक बच गई, खाली एक गलत शब्द बोला था। इसलिए राजनेताओं को, चाहे सत्ता में हो चाहे बाहर हो, उनको इस बात का हमेशा, इस बात की का एहसास उनके जहन में हमेशा होना चाहिए कि शब्दों की मर्यादा बहुत मैटर करती है, जनता इसको देखती है। और ध्यान रखिएगा, खाली जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं से पूछ रहे हैं कि भाजपा के नवागत बड़े नेता श्री नरेश अग्रवाल जी ने भगवान विष्णु, भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के बारे में क्या टिप्पणियां की थी। नहीं, एक बार हम बता देते हैं, वर्कर है जिसने खपाए हैं सालों साल बाद दर्शकों दर्शकों को बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या टिप्पणी इनकी थी। पूछेगा जी, विष्णु में विस्की बसे, क्या कहा था, विष्णु में विस्की बसे, रम में श्री राम, और जिन में माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, ठर्रे में हनुमान। ये सदन के भीतर कहा था, इतना तो शर्मिंदगी भरा बयान। और ये राम भक्तों की पार्टी है, ये राम जादों की पार्टी है, और राम भक्तों और राम जादों की पार्टी में राम विरोधी को कैसे पटका पहना के लिया गया, इससे बड़ा राजनीतिक प्रहसन कोई नहीं हो सकता। अतुल जी, मैं एक बात कहता हूं कि इस प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो बयान आए थे, जो टिप्पणियां आई थी, अगर वो राजनेता ऐसी राजनीति करते हैं तो फिर उसकी व्याख्या करें जी, कर पाएंगे जी? शशिकांत जी बैठे, इसकी व्याख्या करें। अरे सर, शशिकांत जी को छोड़ दीजिए, सदन के भीतर अनंत कुमार जी ने किस कदर नरेश अग्रवाल का राज्यसभा में विरोध किया था, अब किस मुंह से अपने राज्यसभा के भीतर अनंत कुमार नरेश अग्रवाल की बाजू में बैठेंगे, किस मुंह से? यही तो राजनीति है, यही सियासत है जी। सियासत में गंदगी नहीं देखी जाती। आपको सीट मिलनी हो, आपको सत्ता मिलनी हो, तो आप जो नाबदान है, जहां गूब बहता है, आप वहां भी बैठकर खाना खा लोगे, समरसता भोज कर लोगे, क्योंकि आपको सत्ता चाहिए, आपको सत्ता सुख चाहिए, गोरखपुर सीट चाहिए। चुनावों में मतगणना लगातार जारी है, और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी का जो है वो वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी फूलपुर और गोरखपुर दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। दोपहर 12 बजे तक नतीजे आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तेजी से मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा लगता है कि मीडिया कर्मियों को बहुत ज़्यादा व्यस्तता नहीं उठानी पड़ेगी, जैसा हर बार चुनाव में होता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मीडिया कर्मी लगातार पैर पैर दौड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और माना जा रहा है कि 12-1 बजे तक ही मीडिया कर्मी आराम से चैन से खाना वाना खा पाएंगे। हेमंत तिवारी जी,
ये देखिए, ये शुरुआती रुझान जो हैं ये बड़े बड़े दिलचस्प हैं, और उस थ्योरी को तोड़ दिया कि अगर कम परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज हो तो एंटी बीजेपी और ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो तो प्रो बीजेपी, इस थ्योरी को अब ये जो शुरुआती रुझान है ये तोड़ते दिख रहे हैं। लेकिन अतुल एक बात ध्यान देनी होगी, जो हाँ। मेरा अपना सूत्र कहते हैं, जो हाँ। मेरा फीडबैक कहता है कि आप देखिए कि इलाहाबाद नॉर्थ जो और इलाहाबाद वेस्ट, यहाँ वोटिंग कम हुई, आप इलाहाबाद को अच्छी तरीके समझते हैं। गोरखपुर में सदर वोटिंग कम हुई है, गोरखपुर का रिसेंट पास देखें 2017 के असेंबली इलेक्शन में तो कंपियरगंज, कोड़ीराम, देहात और सहजनवा, इन चारों सीटों पर अच्छी वोटिंग हुई थी और इन चारों सीटों पर बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते, जब तक चार पांच राउंड के ट्रेंड ना आए आप एकदम टिप्पणी नहीं कर सकते। और मैं अभी भी मानता हूं, मैं अभी भी मानता हूं कि एक तरफा मामला नहीं है, संघर्ष वाला मामला है जी। नतीजे जो आएंगे उसमें अंतर बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बल्कि मुझे तो एक बात की आशंका है अतुल, बड़ी चीज मेरे जहन में आ रही है कि कहीं जीत का जो अंतर है वो उतना ही ना हो जितना कांग्रेस को दोनों जगहों पे वोट मिले। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो कल डिनर डिप्लोमेसी, कल ऐसी स्थिति होती है अतुल तो कल 20 पार्टियों के नेताओं को डिनर कराने वाली सोनिया गांधी जो अपोजिशन को लामबंद करने की पहल कर रही हैं 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले, उनसे जरूर सवाल उठेगा कि वही आपने किया जो सिकंदरा हुआ था 2017 के असेंबली इलेक्शंस के बाद, एक ही बाई इलेक्शन हुआ अतुल सिकंदरा में हाँ। और वहां सपा और कांग्रेस का वोट जोड़ लीजिए तो करीब करीब भाजपा के बराबर हो गए थे। अगर यही स्थिति आई तो कांग्रेस की लीडरशिप पर भी, कांग्रेस के डिसीजन पर भी कैंडिडेट्स उतारने के बड़ा सवाल उठेगा। तिवारी जी, तिवारी जी बहुत महत्वपूर्ण समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूं। देखिए क्या होता है, ये मेयर का भी इलेक्शन हुआ था तो जब कम वोटिंग होती है ना तो उसमें जैसे बीजेपी के अभी रुझान बता रहे हैं ये कहां से होते हैं। देखिए जो रूलिंग पार्टी है उसके सारे कैंडिडेट बड़े एक्टिव होते हैं और वो निकल करके जो है वोट देते हैं। जो अपोजिशन की पार्टी होती है उनका संगठन और उनके सारे कैंडिडेट और वर्कर उतने एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी के सारे वर्कर्स जो है पार्टी रूल कर रही है, उनकी सरकार है, तो किसी न किसी काम को लेके वो हलचल में रहते हैं। तो कम वोटिंग होने पर भी सिर्फ मार्जिन पे फर्क पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है अगर एवरेज से कम वोटिंग गई तो वहां पे रूलिंग पार्टी जीत जाती है। जैसे यहां पे बीजेपी अभी अगर बढ़त ले रही है तो हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए लेकिन मार्जिन बहुत कम हो जाए, जैसा कि मेयर के इलेक्शन में हुआ था। हाँ। मेयर के इलेक्शन में भी परसेंटेज ऑफ वोटिंग एवरेज जो 2014 में कॉमन इलेक्शन था उससे बहुत कम गया था। तो बहुत कम वोटिंग होने का एक संदेश ये भी होता है, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि चूंकि जो रूलिंग पार्टी है उनकी सारी शाखाएं, सारे उनके वोटर, सारे उनके पदाधिकारी दिन रात एक्टिव रहते हैं, सरकार से काम करने करवाने में योजनाएं चलती रहती हैं, तो वो अपने वोटरों को वो बाहर निकाल लेते हैं। अब ये वोटर कौन नहीं निकले इसको देखा जाए तो डेफिनेटली ये बोला जा सकता है कि जो दूसरी पार्टी है चूंकि वो सत्ता में नहीं है तो उनके पास काम भी करने को नहीं है, वो उदासीन रहते हैं, तो उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर भी उदासीन रहते हैं। और हेमंत तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है अमित भाई शाह, मैं त्रिपुरा 3 दिन रह के आया, बिप्लव कुमार देव जो मुख्यमंत्री हमारे अच्छे मित्र हैं, सुनील देवधर साहब हमारे साथ रहे हैं, हमने उनसे पूछा उनका ये पन्ना प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तब उन्होंने मुझे बताया कि जो वोटिंग लिस्ट होती है ना, वोटिंग लिस्ट में एक पन्ने में 60 लोगों के नाम होते हैं, तो हमने अब पन्ना प्रमुख बना दिया, यानी एक ऐसा कार्यकर्ता चुना जिसको हमने पन्ना का प्रमुख बनाया और उसके मत्थे जिम्मेदारी ये डाली कि ये 60 मतदाता बूथ तक पहुंचे, वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के ऊपर वोट डालें। अगर इतना अगर माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पन्ना प्रमुख बना रही है, तो फिर ऐसे में तो एक्टिवेटेड सारे कार्यकर्ता होंगे ही। अगर वोटिंग कम भी हुई तब भी बीजेपी आगे निकल जाएगी, जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं। बात बहुत सही अतुल आपने कही, और शायद भारतीय जनता पार्टी के सूक्ष्म चुनावी प्रबंधन का ही यह कमाल है कि आज 21 स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं। 2014 की कामयाबी की जो पृष्ठभूमि थी वो आरएसएस की थीम पे लिखी गई थी। आरएसएस ने गांव 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 चक्कर लगाए थे, मैंने देखा है। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी की नहीं थी जहां आरएसएस के कार्यकर्ता सक्रिय न रहे हों। उसके बाद इनको एक रास्ता मिला जो जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म चुनावी प्रबंधन, जिसमें पन्ना प्रमुख होता है, जिसमें एक एक बूथ पे पहले से जिम्मेदारी थी, 8 महीने पहले जिम्मेदारी थी कि सुनीता कला बूथ पर कौन कार्यकर्ता रहेगा, कौन मोटिवेट करेगा, कौन लाएगा। तो ये शायद इनका चुनावी रणकौशल है और इसीलिए जीत मिल रही है। परंतु ध्यान रखिएगा एक बात,
गोरखपुर के संदर्भ में बता दूं, गोरखपुर में मिश्रा जी ने ठीक बात कही। मिश्रा जी, गोरखपुर में करीब 40% वोट पड़ा था जब निकाय चुनाव हुए थे। 60% लोग चाय पकौड़ी खाते रहे, छुट्टी मनाते रहे, वोट देने नहीं आए। और इस बार भी गोरखपुर सदर सीट, ये वो सीट है जहां योगी आदित्यनाथ चारों अलग असेंबली सेगमेंट में थोड़े थोड़े वोट से जीत के आते हैं और गोरखपुर सदर सीट उनको लाखों की विक्ट्री में परिवर्तित कर देती है। उस गोरखपुर सदर सीट पर भी वोट अच्छा नहीं पड़ा है। हाँ। यही बात कर रहा हूं। हाँ। इलाहाबाद में जो इलाहाबाद नॉर्थ है वहां इतिहास का सबसे कम वोट पड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी गढ़ माना जाता है, जहां कार्यकर्ता वोट। ये एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गोरखपुर से, बीजेपी 11,500 वोटों से आगे चल रही है। ये लीजिए, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र शुक्ला 11,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, 11,500 वोटों से आगे, ये शुरुआती रुझान है। गोरखपुर और फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और अभी बहुत आगे ये जो है ये बढ़त होती जा रही है। 11,500 वोटों से आगे चलने का मतलब ये होता है कि अगर इतने कम मतदान फीसद में भी शुरुआती बढ़त 11,500 वोटों की है, यानी कि अंदाजा बहुत साफ है। संदीप शुक्ला जी, अब आप क्या कहेंगे, शुरुआती दौर में 11,500 वोटों से आगे चल रहे हैं, मामला आमने सामने का है, नेक टू नेक फाइट है। अभी तो शुरुआती चरणों के रुझान है, अभी तो आधा घंटे 40 मिनट की मतगणना हुई है, अभी तो पूरा समय बाकी है और उम्मीद ये भी हो सकती है कि ये जो रुझान है या जो दिख रहा है ये शहरी क्षेत्र का हो, अभी गोरखपुर का जैसे इलाहाबाद का है तो लखनऊ इलाहाबाद उत्तरी में जो मतदान हुआ है वो 21% है, इलाहाबाद पश्चिम में 31% है, गोरखपुर सदर में होंगे। तो अभी गांव, अब जैसे जैसे ग्रामों की तरफ बढ़ेगा रुझान बदलेंगे। अभी अभी आशा जो है हमें समाजवादी पार्टी को जो है बढ़त मिलेगी। अभी तो 80% मतदान कम से कम मतगणना बाकी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। तो हम आशा करते हैं कि अभी रुझान बदलेंगे और हमारे पक्ष में जाएगा। नहीं, आशा पे तो आसमान टिका है, आशा पे आसमान टिका है, आप आशा करते रहिए। डॉक्टर शशिकांत, ये अपनी आशाओं पे कितना खरे उतरेंगे या परिस्थितियां इन्हें खरा उतरने का मौका देगी? ये जो परिणाम 11,500 अभी आपने बताया तो निश्चित रूप से बहुत भारी मत का अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और दोनों सीट पे जीतेगी। मैं उस समय यही कह रहा था कि देखिए, ये जो बुआ बबुआ का जो गठबंधन है, लोगों ने, आम नागरिक ने स्वीकार नहीं किया। फूलपुर में इन लोगों ने बहुत जोर लगाया, गोरखपुर में भी जोर लगाया कि दोनों पार्टी एक हो जाए। मैं उस समय कह रहा था तो हमारे आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हेमंत तिवारी जी बड़े सम्मानित पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, इनकी इनकी पत्रकारों में भी बड़ी साख है, आम जनता में भी साख है। बात कट गई थी, मेरे शब्दों के चयन पे आप लोगों ने मुझे घेर दिया था। मैं वो आगे ये कहना चाहता था कि देखिए, इन लोगों की मायावती और समाजवादी पार्टी की लड़ाई को घेर नहीं लिया था, बख्श दिया, छोड़ दिया। ठीक है, स्वीकार करता हूँ, छोड़ दिया आपने। तो मैं यही कहना आगे मैं कहना चाहता था कि इन लोगों की वो लड़ाई आज भी बसपा के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भूले नहीं है, इनमें आज भी वो तलखी है। 20 साल पहले जो घटना घटी थी गेस्ट हाउस में, वो तलखी बरकरार है। ये लोग इनके नेता तो एक हो गए लेकिन इनके मतदाता और इनके कार्यकर्ता एक नहीं हुए, उसका भी परिणाम सामने कि बहुत भारी मतों से हारने जा रहे हैं। इनका जगह जमीन अभी दिखाई नहीं देगा, अभी चुनाव परिणाम जो आएंगे क्यों तो ये बहुत काफी पीछे नजर आएंगे। और ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को के कार्यक्रमों को, विकास के कार्यक्रमों को, सरकार के काम करने के तरीकों को पसंद कर रही है और ये अब उसका परिणाम है जी। इस वक्त जो दर्शक हमें टेलीविजन सेट्स पर 3 DTH, टाटा स्काई 583, एयरटेल 355, रिलायंस बिग टीवी 423, रिलायंस जियो मोबाइल ऐप, तमाम केबल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। हम उनको बता दें कि हम सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हैं और इस वक्त 38 लाख से ज्यादा लोग हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, यह भी हमारी डिजिटल टीम के द्वारा जानकारी दी गई है। और फेसबुक पर लाइव का जो आंकड़ा है ये काफी आगे चल रहा है, ट्विटर पर भी हम लाइव हैं, यूट्यूब पर भी लाइव हैं। अगर आप लोग हमें देखना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन्स पर तो आप तीनों ही जगहों पर, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हिंदी खबर HINDI
KHABAR हिंदी खबर करके आप हमें सर्च कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टोटल इस वक्त 38 लाख से ज्यादा लोग हमें डिजिटल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बड़े नंबर्स में, इतनी बड़ी संख्या में हिंदी खबर पर भरोसा जताने के लिए, और संभवतः क्षेत्रीय चैनलों में हिंदी खबर सबसे आगे नंबर वन चैनल है जो आप लोगों को आप लोगों के हिसाब से खबरें देता है, और आप लोगों का प्यार इन नंबर्स में जो परिलक्षित हो रहा है, 38 लाख लोग लगातार हमें देख रहे हैं डिजिटल मीडिया में, ये आपके प्यार का और विश्वास का नतीजा है। एक ही मिश्रा जी, इस पर आप क्या कहेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। नहीं, आपका जो डिजिटल रीच जो बढ़ रही है जी, नहीं देखिए अतुल, ये आपको मैं बधाई दूंगा, और अब मैं यहाँ पे भी देखिए मैं आपको बोलूंगा कि जो कि आपकी या आपके टीम की स्ट्रेटजिक अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। कमिंग फ्यूचर में 3 से 4-5 सालों में आप देखेंगे आपके घर में हर चीज जो है वो इंटरनेट से होगी। मोदी जी ने भी खुद ये बोला था, आपको रिमाइंड करा दूं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2019 का इलेक्शन तो हम मोबाइल से जीत लेंगे, तो सारा वर्ल्ड जो है वो डिजिटल होने जा रहा है। अभी मैंने इटली की एक यूनिवर्सिटी है, वहां के लड़कों से हमने लाइव जो है कैंप है, ये उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था इसी पे कि डिजिटलाइजेशन का इंडिया में क्या स्कोप है। तो ये डिश टीवी वगैरह या जितने भी अभी डिश एंटीना वगैरह चलते हैं वो सारा प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो रहा है, और इतनी जबरदस्त आपकी यहाँ पे रीच और फॉलोइंग है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, देखें चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, और मैं एक दिन देखना भी चाहूंगा कि आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, ये समझने वाली चीज। देखिए, तो जो खबर है ये मतगणना केंद्र के अंदर के भीतर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये विधानसभा 256 फूलपुर जो है जहां पर काउंटिंग हो रही है, और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये जो ग्राफिक्स आपके जरिए आपको दिखा रहे हैं हम, आगे और पीछे के जो ग्राफिक्स हैं ये आपके सामने हैं, कौन आगे कौन पीछे, ये दोनों ही जगहों के जो जो रुझान है, शुरुआती रुझान, वो शुरुआती रुझान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए अब हम आपको एक बार फिर से लखनऊ स्टूडियो लेकर चलते हैं। संदीप शुक्ला जी, शुरुआती रुझानों में आप पिछड़ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि उम्मीदों पर आसमान टिका हुआ है, आशा पर आसमान टिका हुआ है, मुझे यह समझाने की कोशिश कीजिए कि आपकी आशाएं कितनी बलवती हैं। देखिए अभी बहुत वक्त है, बहुत समय बाकी है, और अभी तो पिछली बार अगर देखा जाए 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में और फूलपुर में दोनों जगहों पर लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव जीती थी। तो अभी 10,000-11,000 से आगे चल रहे हैं, तो भी आपको कहां, कैसे आप कह सकते हैं, अभी तो बहुत लंबा मतगणना बाकी है। जहां 10 लाख वोट पड़े हों वहां पे आप भी 10% मतगणना में क्या रुझान बता सकते हैं। तो ये शुरुआती है, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। जरा फूलपुर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वहां क्या स्थिति चल रही है। गोरखपुर का तो हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन फूलपुर में कितना आगे चल रही है, मुझे नहीं लगता कि फूलपुर में आगे चल रही होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी आगे चल रही तो उसको भी दिखाया जाए प्लीज, मैं जानना चाहता हूं फूलपुर की क्या स्थिति है। अच्छा, अरे देख लेंगे भाई, फूलपुर भी देख लेंगे जी। हां हेमंत तिवारी साहब, कुछ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को फूलपुर पर ज्यादा यकीन है, फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा ऐसा है। अपर हैंड तो दोनों जगह अतुल जी भी बता चुके हैं, हम भी बता चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन शुक्ला जी की बात से एक बात जरूर स्पष्ट हो गई कि फूलपुर की लड़ाई में इनकी ज्यादा दिलचस्पी है, इनको लगता है कि वहां बेहतर परफॉर्म करेंगे जी। हेमंत तिवारी जी, एक चीज में चलना चाहिए, हेमंत तिवारी जी एक मिनट आपसे मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा। अब्दुल्ला खान है वो कह रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अगर अभी बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और गठबंधन का जो उम्मीदवार जीता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब, ये क्या लॉजिक है? और एक समुदाय विशेष के लोग ऐसी बातें करते हैं। ईवीएम पर जो भी आरोप लगाए मैं उसको लोकतंत्र का बहुत बड़ा विश्वास करने वाला नहीं मानता हूं। ईवीएम पर आरोप लगा करके आप अपने पराजय से बरी नहीं हो सकते हैं जी। ये गलत परंपरा शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि ये दिल के आरोप नहीं होते, ये खाली अपने जो कार्यकर्ता है, जो उनके वर्कर्स हैं, उनका दिल रखने के लिए बात कही जाती, ताकि वो जुड़े रहे, उनमें कोई भगदड़ ना बचे, उनमें कोई निराशा ना आए जी। लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है भारतीय लोकतंत्र में कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो प्रणाली शुरू कर दी है, जिस पर किसी और को आशंका नहीं है, खाली कुछ विपक्ष को आशंका और सवाल उठते हैं, ये तो चिंताजनक बात है। मुझे लगता है इस प्रवृत्ति से
अपोजिशन को थोड़ा सा किनारे होना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रखेंगे। तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका, ए के मिश्रा बहुत धन्यवाद आपका। ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं।